हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं मुर्ग रान मुसल्लम। इसके लिए मैंने इस तरह के चार लेग पीसेस लिए हैं और मैंने इस तरह के डिप कट्स लगाए हैं। इसको मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टीस्पून सॉल्ट लगाकर आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसके लिए दूसरा मैरिनेशन तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने 1/2 कप दही लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट। 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने पहले भी चिकन में लगाया है, सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने मिल्क में केसर के स्ट्रैंड्स को घोला है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें मैं 1 टीस्पून केवरा वाटर ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी। अब इन सभी चीज़ों को मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। सभी पीसेस को मैं अच्छे से मसाला लगाऊंगी। चिकन को मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया है। अब मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन को हीट किया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 स्टिक दालचीनी का, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 लौंग और 2 तेज़पत्ते। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। सभी को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून खसखस, 10 काजू और 10 बादाम। इन सभी को इसी के साथ मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। सभी इंग्रेडिएंट्स ड्राई रोस्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसे मैं मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसमें मैं 1 टेबलस्पून चारोली ऐड करूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें अनियंस को डीप फ्राई करके ऐड करूँगी और फिर इसी के साथ पीस लूँगी। पैन को मैंने हीट करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल, 2 अनियंस जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। इसको मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी। अनियंस हमारे गोल्डन हो गए हैं। इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसे मैं ड्राई मसाले के साथ ग्राइंड कर लूँगी। ये अनियंस को मैंने इस प्लेट में निकाला है और इसी मसाले में मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप दही ऐड करूँगी और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसका मैंने एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम चिकन को कुक करेंगे। एक पैन को मैंने हीट किया है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें मैं मैरिनेटेड चिकन अरेंज करूँगी। एक्स्ट्रा मैरिनेट भी मैं इसी के ऊपर लगा लूँगी। अब मैं इसे कवर करके चिकन टेंडर होने तक कुक कर लूँगी। चिकन हमारी कुक हो गई है। हम इसे बीच में इस तरह पलटते रहेंगे और चिकन टेंडर होने तक कुक कर लेंगे। चिकन हमारी कुक हो गई है। गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। अब जिस ऑयल में हमने अनियन को फ्राई किया था उसी को मैंने हीट करने के लिए रख दिया है। उसमें मैं ऐड करूंगी मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था और उसको अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं 1 पिंच तंदूरी रेड कलर ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं करें। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी।
अब जो चिकन को हमने मैरिनेट किया था वो एक्स्ट्रा मसाला जो बच गया था वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, इसमें मैं हाफ कप जितना पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून सॉल्ट। चिकन में भी सॉल्ट है इसके लिए, सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके हाथ से क्रश कर लिया है। अब जो चिकन के पीसेस हमने तैयार किए थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा मसाला था वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे इसमें कुक कर लेंगे। मैंने जिस पैन में चिकन को कुक किया था उसी में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप फ्रेश क्रीम। ये ऑप्शनल है, ये घर की मलाई है, आप चाहो तो टेट्रा पैक की भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून बटर, ये भी ऑप्शनल है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं कवर करके 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। मुर्ग मसल्लम बनकर रेडी है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करेंगे। हमारा मुर्ग रान मसल्लम बनकर रेडी है। मैंने इसे बॉइल्ड एग्स के साथ में सर्व किया है। आप इसे नान या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।